गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे आज की जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक है, आपकी टेक्स्ट बुक है बिहारी, उसका चैप्टर नंबर है 9, द बॉन्ड ऑफ लव। तो बेटा आज हम इस चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव की समरी डिस्कस करेंगे। ये जो बॉन्ड ऑफ लव है बेटा, इसके राइटर हैं केनेथ हेंडरसन, और केनेथ हेंडरसन ने इस स्टोरी के थ्रू, द बॉन्ड ऑफ लव के थ्रू अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, और वही इस पूरी कहानी को बता रहे हैं आपको। तो वो यहाँ पे नरेटर है, नरेटर वो होते हैं बेटा जो उस कहानी को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उन्हें हम यहाँ पे नरेटर भी कहेंगे। और जो ये जो द बॉन्ड ऑफ लव, जैसे कि इसका टाइटल ही सजेस्ट कर रहा है, बॉन्ड ऑफ लव प्यार का एक गहरा बॉन्ड जो है, वो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स शेयर कर रहे हैं। वो एक तो है ऑथर की वाइफ जो कि ह्यूमन बीइंग है, और एक है उनका पेट बेयर, एक स्लॉथ बेयर है। वो आपस में एक गहरा जो उनका अटैचमेंट है एक दूसरे के साथ, एक जो रिलेशन वो शेयर कर रहे हैं, उसके बारे में ये कहानी है। स्लॉथ बेयर होता है बेटा, स्लॉथ एक टाइप का बेयर ही होता है, बेयर ही होता है। वो थोड़ा सा वो बहुत बड़ा होता है, हैवी होता है, और उसके हैवी होने की वजह से वो बहुत धीरे धीरे चलता है, थोड़ा लेजी सा होता है, उसे हम स्लॉथ बेयर कहते हैं। और इस स्टोरी में आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं ऑथर, जो कि केनेथ हेंडरसन है, और वो सारी स्टोरी को नरेट भी कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, नरेटर। फिर ऑथर की वाइफ है, जिनका यहाँ पे स्टोरी में नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है, तो उन्हें हम एज ऑथर्स वाइफ ही एड्रेस करेंगे। जो जिनका जो फीमेल कैरेक्टर हैं, जिनका गहरा रिलेशन बताया गया है उनके पेट के साथ। फिर यहाँ पे ब्रूनो है, या फिर बाबा ब्रूनो, जो ऑथर की वाइफ है, वो उनका जो पेट बेयर है उसका नाम रखती है ब्रूनो, और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो उसका नाम बाबा बुलाने उसे लग जाती है। तो इन दोनों के बीच में ही मेनली ये द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दीज टू कैरेक्टर्स। ये बहुत ही मेन कैरेक्टर हैं इसके। उसके बाद है क्यूरेटर ऑफ द जू। क्यूरेटर होते हैं बेटा जो रखवाले होते हैं किसी भी जगह के, तो जू जू के हैं, तो जू यानी के जो चिड़ियाघर है उसके जो कीपर है, केयर टेकर जो है वो है क्यूरेटर, देखभाल करने वाला। सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू है यहाँ पे, सुपरिटेंडेंट साहब है बेटा जो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, तो वो जू का हायर अथॉरिटी है सुपरिटेंडेंट का। तो और ये जो स्टोरी है बेटा, ये दो इसकी सेटिंग जो है दो जिले में है, मैसूर में और बेंगलोर में, जो दोनों ही साउथ इंडिया में है, कर्नाटका में है। मैसूर तो वहाँ पे जहाँ पे ऑथर को बेबी बियर मिलता है, और बाद में उसको जू में जो शिफ्ट करते हैं वो जू भी मैसूर में होती है, और बेंगलोर में जहाँ पे ऑथर का घर है, जहाँ पे वो ब्रूनो को पालते हैं, उसे बड़ा करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। बेटा क्या होता है कि ऑथर केनेथ हेंडरसन एक बार अपने कंपेनियंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मैसूर के आसपास के जंगलों में गए हुए थे, वहाँ पे शिकार करने के लिए वाइल्ड एनिमल्स का। तो वहाँ पे उन्हें जो है एक बेबी बियर मिलता है, छोटा हल्का बच्चा। वो उस बच्चे की जो मदर है वो मर गई होती है, और वो अनाथ हो गया होता है। तो वो ऑथर जो है उस भालू को, भालू के बच्चे को, बेबी बियर को अपने घर ले आते हैं बेंगलोर में, और अपनी वाइफ को उसे गिफ्ट कर देते हैं एज अ पेट, क्योंकि ऑथर की वाइफ जो है वो एक एनिमल लवर होती है, उन्हें पेट का बहुत शौक होता है, बहुत प्यार होता है अपने पेट से। उनके घर में ऑलरेडी दो अल्सेशियन डॉग्स हैं एज अ पेट, तो वो बहुत खुश होती है अपना ये गिफ्ट पाके, और वो ब्रूनो उन्हें उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होती है। और जो पेट बेयर है उनका, उसके गले में वो एक बहुत प्यार से कलर कलरफुल सा रिबन बांधती है, और उस पेट बेयर का वो नाम रखती है ब्रूनो, बहुत ही प्यार से। अब ब्रूनो उनकी फैमिली का एक हिस्सा बन गया है। ब्रूनो शुरू में उसको खिलाने पिलाने में उनको दिक्कत होती है, तो वो उसे बॉटल से दूध पिलाते हैं। धीरे धीरे ब्रूनो बड़ा हो जाता है, उनकी फैमिली में फैमिली के मेम्बर्स के साथ रहते हैं, और ऑथर की वाइफ जैसे अपने छोटे बच्चे को एक औरत प्यार करती है, वैसे ही औरत जो ब्रूनो को प्यार करती है ऑथर की वाइफ, उसे बहुत
बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें घर में जो भी होती है वो खाने के लिए देती है, पीने के लिए देती है, इवन टी कॉफ़ी लेमनेड बटर मिल्क पता नहीं क्या क्या देती है उसे पीने के लिए। तो धीरे धीरे उनको बड़ा होने लग जाता है, अच्छे से खाता पीता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और घर में जो उनके घर में किराएदार के बच्चे रह रहे होते हैं, टीनेज चिल्ड्रन जिनको बोला गया है, वो उनके साथ ब्रूनो बहुत फ्रेंडली हो जाता है। घर में उनके जो फोर मेंबर्स हैं जो अल्सेशियन डॉग्स हैं उनके पेट्स, उनके साथ बहुत फ्रेंडली हो जाता है। तो वहाँ पे वो घर में पूरा खुल के आराम से रहता है, किचन में जाता है, ऑथर के बेड में ही सोता है, आराम से घूमता है। और तो क्या होता है कि एक बार जब ऑथर ने अपनी लाइब्रेरी में रैक्स चूहों को मारने के लिए एक दवा रख दी होती है बेरियम कार्बोनेट, जो कि अपने आप में एक जहर होता है। तो ये पॉइजन होता है। तो ब्रूनो टहलता हुआ लाइब्रेरी में जाता है और उस बेरियम कार्बोनेट को खा लेता है। जहर होता है तो उसका इफेक्ट इतना सीवियर होता है ब्रूनो पे कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता, उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। लेकिन ही कुडंट इवन स्टैंड ऑन हिज फीट। तो ब्रूनो जो है जैसे तैसे मैनेज करके क्रॉल करके रेंगता हुआ ऑथर की वाइफ के पास जाता है। ऑथर की वाइफ उसकी कंडीशन देखती है, ऑथर को इमिडिएटली इन्फॉर्म करती है, दोनों मिलके और ब्रूनो को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वेटरनरी डॉक्टर के पास जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। और डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाते हैं और ब्रूनो ना वापस अपनी बैक टू ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, अपना ठीक हो जाता है, उसकी कंडीशन बिल्कुल अब नॉर्मल हो जाती है। तो इससे भी पता चला ब्रूनो पूरा मिस्चीवियस हो गया, बहुत शरारती हो गया। फिर एक बार एक ऐसा ही इंसिडेंट होता है जहाँ पे जो ब्रूनो जो ऑथर होते हैं वो अपनी गाड़ी में से जो इंजन ऑयल होता है वो निकाल के रख देते हैं। और कितना गैलन यहाँ पे बताया गया है बेटा, गैलन जो है वो जैसे लीटर होता है ना लिक्विड को मापने की एक क्वांटिटी एक यूनिट होती है, वैसे ही गैलन लिक्विड को ही मापने की एक यूनिट होती है। तो एक गैलन ऑफ इंजन ऑयल वो वहाँ पे रख देता है और ब्रूनो वो सारा पी जाता है। लेकिन अब इतना बड़ा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो अब वो सारा इंजन ऑयल पी जाता है लेकिन उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब ब्रूनो खुलेआम रहता है और उनके आसपास के जो दोस्त हैं पड़ोसी हैं वो उनको सजेस्ट करते हैं कि अब जो ब्रूनो है बड़ा हो गया, हैवी हो गया, ये घर में बच्चे भी हैं उनके लिए डेंजरस हो गया, तो आप इसे बांध के रखें। तो उसको चेन में बांध के रख देते हैं। लेकिन ऐसे ही टाइम बीतता जाता है, वो सजेस्ट करते हैं उनको कि अब इसको रखना घर में सेफ नहीं, सबके लिए आसपास के लोग हैं बच्चे हैं, क्योंकि बेटा जो ब्रूनो है ना वो एक बेयर है, बेयर एक वाइल्ड एनिमल होता है, उसको अपने आप में ही घर में रखना ना एक सेफ नहीं माना जाता है। तो वो सजेस्ट करते हैं कि इसे आप पैसों की जो जू है जो चिड़ियाघर है वहाँ भेज दिया जाए। ऑथर इस सजेशन पे गौर करते हैं, अपनी वाइफ को समझाते हैं, उनकी वाइफ पहले तो मानती नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि वो ब्रूनो से बहुत अटैच्ड है। लेकिन अब वो ब्रूनो अब वो सब सोचती है, फिर वो उसे मनाता है ऑथर और वो उसे कन्विंस कर देता है, अब वो ब्रूनो को जो है जू में भेज देते हैं, मैसूर की जू में भेज देते हैं। सब ब्रूनो वहाँ से जाता है मैसूर की जू के लिए, सबको बहुत दुख होता है, फैमिली का मेंबर एक तरह से हो गया है, सबसे ज़्यादा दुख ब्रूनो ऑथर की वाइफ को होता है, भेज देते हैं। लेकिन ऑथर की वाइफ उसे भेजने के बाद बड़ा दुखी होती है, बहुत सैड रहती है, खाना नहीं खा रही है, रो रही है, परेशान सी रहने लगी है। तो जब भी उनका कोई मित्र ऑथर का या उनके कोई फैमिली फ्रेंड्स मैसूर जाते हैं तो वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रूर ब्रूनो को ज़रूर देख के आएँ, बाबा से एक बार मिल के आएँ। तो जो भी कोई जाता है वहाँ देख के आता है, वहाँ के जो कीपर्स हैं जू के वहाँ देखभाल करने वाले, वो वहाँ उनको बताते हैं कि ब्रूनो जो है बहुत ही कमज़ोर हो गया है, खाना नहीं खाता है, ठीक है वैसे लेकिन परेशान रहता है, तो उदास रहता है। ये सारी बातें वो आके ऑथर की वाइफ को बताते हैं। वो ऑथर की वाइफ ये सुनते तो बड़ी परेशान हो जाती है और वो ऑथर से रिक्वेस्ट करती है कि या तो आप मुझे ब्रूनो से मिलवाने ले जाइए या फिर आप मैं नहीं ले जाएंगे तो मैं खुद बस या ट्रेन से चली जाऊँगी। अब जो ऑथर होते हैं बेटा उनको लगता है कि 3 महीने हो गए हैं ब्रूनो को यहाँ से ले गए हुए और जानवर ही तो है, अब वो ऑथर की वाइफ को भूल गया होगा, तो वो सोचता है कि चलो मिलवाने ले चलता हूँ। वो उसे मिलवाने लेके जाते हैं वहाँ पे मैसूर की जू में, और जैसे ही ब्रूनो ऑथर की वाइफ को
देखता है ना अपनी मास्टर को, जब वो वहाँ पे देखता है और तो बड़ा खुश होता है, इतना खुश होता है कि उछल जंप करने शुरू हो जाता है, उछलने लग जाता है, अपने सिर के बल खड़ा हो जाता है खुशी मनाने के लिए। और ऑथर की वाइफ भी उसे देख के बहुत इमोशनल हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है और अपना लाड़ प्यार सारा उस पर मेल देती है, और उसे ना उसको जो भी चीज़ें पसंद होती है खाने पीने में वो सब कुछ उसे लेके जा उसके लिए लेके ले गई होती है, और उसे खिलाती है पिलाती है घंटों, तीन चार घंटे दोनों आपस में टाइम स्पेंड करते हैं और ऑथर समझ जाता है मतलब अब अभी क्या होने वाला है। तो अब वो जब जू को बंद करने का टाइम आता है, वहाँ से जाने का टाइम आता है, तो ऑथर की वाइफ रोने लग जाती है, और जब वो रोने लग जाती है तो जो वहाँ के लोग हैं उनको भी बड़ा दुख होता है। तो वो जब जो क्रिएटर ऑफ द जू है उनसे रिक्वेस्ट करती है कि सर मैं इससे बहुत अटैच्ड हूँ और मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ अपने पेट ब्रूनो के बिना, तो आप मेरा जो ब्रूनो है वो मुझे वापस कर दीजिए। क्यूरेटर कहते हैं कि मैडम बिल्कुल मैं समझता हूँ आपकी कंडीशन, लेकिन ये जो ब्रूनो है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गया है और इसे वापस करना मेरे बस में नहीं है। लेकिन वो ऑथर की वाइफ को एक सजेशन देते हैं, ऑथर और ऑथर की वाइफ को, क्यूरेटर ऑफ द जू जो है क्यूरेटर, वो उनको एक एडवाइस देते हैं कि आप बैंगलोर में सुपरिटेंडेंट साहब रहते हैं वहाँ जाइए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपको आपका ब्रूनो जो है वापस दिया जाए, हो सकता है वो आपको आपका पैक वापस कर दे। तो वो उनका सजेशन मानते हैं और वैसे उनसे वापस बैक टू बैंगलोर जाते हैं और सुपरिटेंडेंट साहब से मिलते हैं। अब वहाँ जाके ऑथर की जो वाइफ है वो सुपरिटेंडेंट साहब से बहुत रिक्वेस्ट करती है, उनके सामने रोती है गिड़गिड़ाती है कि मैं बहुत ही मेरा जो पैक है ब्रूनो पैक पेयर उनसे मैं बहुत अटैच्ड हूँ और वो भी मुझसे अटैच्ड है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती और आप मेरा जो पैक ब्रूनो है वो मुझे वापस कर दीजिए। और जो सुपरिटेंडेंट साहब होते हैं बेटा बहुत ही इमोशनल, बहुत ही समझदार इंसान होते हैं और बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, वो उनके रिलेशन की जो गहराई है उसकी जो डेप्थ है उसको समझते हैं और ब्रूनो को उसे वापस करने के लिए मान लेते हैं। और वो क्यूरेटर जो अपने जू जो है उनके नाम एक लेटर भी लिखते हैं और उसमें उनको बोलते हैं कि जो ब्रूनो है वो तो ऑथर की वाइफ को वापस किया ही जाए, उसका बैंगलोर में वापस आने का इंतजाम भी किया जाए, कोई लॉरी या फिर कोई जो केज है उसे उन्हें प्रोवाइड किया जाए। अब वो वापस जू में जाते हैं ऑथर और ऑथर की वाइफ और ब्रूनो को वापस के साथ बैंगलोर अपने घर पर ले आते हैं। अब क्योंकि ब्रूनो जो है बहुत बड़ा हो गया है, हैवी हो गया है, लोगों को लगता है वो सेफ नहीं है आसपास के लोगों के लिए, तो ब्रूनो के लिए अलग से एक आइलैंड बनाया जाता है। वहाँ पे आइलैंड पे ब्रूनो रहता है, उसे एक नेचुरल एनवायरनमेंट देने की कोशिश की गई है वहाँ पे, और वहाँ पे वो एक गड्ढा प्रॉपर है ना गहरा गड्ढा, ड्राई पिक सूखा गड्ढा गड्ढा उसके लिए खोद दिया गया है ताकि वो आराम से वहाँ रह सके। उसके लिए वुडन बॉक्स रख दिया गया है, उसके घास फूस सूखी बिछा दी गई ताकि वो उस पर सो सके। उसके जो टॉयज होते हैं उसकी जो स्टिक वाली गन होती है जिससे वो खेलता होता है, उसका जो लकड़ी का एक छोटा सा बेबी होता है जिससे वो खेलता है, वो सब उसके यू नो वहाँ पे रख दिए जाते हैं उसका ख्याल रखने को ताकि वो खुश रहे वहाँ पे। और ब्रून और ऑथर की वाइफ भी वहाँ घंटों टाइम स्पेंड करती है ब्रूनो के साथ, तो वैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं प्यार से रहते हैं। तो इस स्टोरी के थ्रू हमें पता चलता है कि कैसे ऑथर की वाइफ जैसे अपने बच्चे से प्यार करती है वैसे ही वो ब्रूनो से इतना अटैच हो जाती है, इतना प्यार करती है, तो कैसे एक ह्यूमन और एक एनिमल के बीच में गहरा बॉन्ड बन जाता है, वो रिलेशन बन जाता है। तो ये हम इस स्टोरी के थ्रू देखते हैं बेटा। इस स्टोरी के थ्रू में बताया गया कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी रिलेशन गहरा एक ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में ही होता है, एक ह्यूमन इंसान और एक एनिमल जानवर के बीच में भी गहरा रिलेशन हो सकता है, उनके जानवरों के भी इमोशंस होते हैं। तो ये आपकी पूरी समरी थी इस चैप्टर की, आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। बेटा इसकी समरी जो है मैंने 5 पॉइंट्स में लिखी हुई है और वो 5 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझने हैं। मैं आपके साथ वो जो समरी मैंने लिखी हुई है वो मैं आपके साथ उसके नोट्स शेयर करूँगी और वो मेन जो 5 पॉइंट्स मैंने उसके लिए लिखे हुए हैं वो आपको अच्छे से लर्न करने। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।